सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक एरे। तो एरे मतलब सेम टाइप या यू कैन से होमोजीनियस। व्हाट यू कैन से या कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा। व्हाट इज एन एरे? कलेक्शन बोलो या ग्रुप बोलो, आपको जो समझ में आए। व्हाट इज एन एरे? यस गाइस, हैविंग कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, हैविंग उनके मेमोरी लोकेशंस क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। देखो अभी समझो, अगर तीन फ्रेंड है, लेट्स से ये तीन फ्रेंड है ए बी और सी। नाउ दिस फ्रेंड ही स्टेज लेट्स से एट कात्रज घाट के पास, दिस फ्रेंड ही स्टेज इन वागोली दूसरा कोना, एंड दिस फ्रेंड ही स्टेज इन चांदनी चौक पर कात्रज के पास में है ना, इसको और डाल देते हैं दूर, इसको डाल देते हैं पिंपरी। अब ये ज्योग्राफिकली कैसे है? ज्योग्राफिकली टुगेदर है कि ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है? हेलो, कात्रज टू वागोली शुड बी अराउंड इफ नॉट लेस देन एटलीस्ट 30-35 किलोमीटर। कितना? वागोली से पिंपरी शुड ऑल्सो बी अराउंड दैट मच ओनली। स्टेशन से पिंपरी 20 किलोमीटर है, स्टेशन से वागोली 15-20 किलोमीटर, तो ये भी इतना ही रहेगा, 35-40 किलोमीटर ही। तो अगर आपको ज्योमेट्री आता है तो बोलो फिर कातर से पिंपरी कितना होगा? कातर से पिंपरी भी कम से कम नहीं तो 25 किलोमीटर तो होगा। ठीक है, तो अब ये ज्योग्राफिकली क्लोज है कि ज्योग्राफिकली दूर है? तो अब अगर इनको कोई मिलना होता है, प्लान बनाना होता है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम, यस और नो? ओके, आई विल टेक अनदर एग्जांपल। वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप एंड वी आस्क समवन फ्रॉम यॉल टू बुक द टिकट्स। ओके, तो उस बंदे ने टिकट बुक किया, जैसे हमको कोच मिला A1, कौन सा कोच मिला? A1 मिला। और उसके बिसाइड्स में कौन सा कोच रहता है? AC2 है ना। तो क्या हो गया, ये कौन सा कोच है? और ये कौन सा कोच है? तो भाई कितने कोच हो गए ये? हेलो, तो A1, A2 और A3, राइट? यस और नो? यस सर। ओके, तो अभी हम लोग कितने लोग हैं? हम लोग 6-7 लोग हैं, ठीक है, मुझे मिला के 7। एक कोच में होते हैं 72 सीट्स, कितने होते हैं? 1, 2, 3 होता है, उसके ऑपोजिट होता है 4, 5, 6, है ना, और उसके यहाँ पर होते हैं 7, 8, बीच में होता है आइल, यस और नो? ऐसे 8, जैसे कितने क्यूबिकल होते हैं उधर? एक क्यूबिकल में 8 लोग, तो कितने क्यूबिकल होते हैं 72 बनाने के लिए? ऐसे 9 क्यूबिकल होते हैं, कितने होते हैं? 9 क्यूबिकल्स होते हैं। ओके, तो लेट्स से ये सीट नंबर जो है वो 43 है, ये सीट नंबर जो है वो
27 है, ये सीट नंबर जो है वो 61 है, जो भी है एक्स वाई जेड, और फिर ये इसके भी रहोगे तो इसका भी समझो ये सीट नंबर 8 है इधर, और यहाँ पर सीट नंबर जो है वो 25 है, यहाँ पर सीट नंबर जो है वो 71 है, और ए 3 का है ये सीट नंबर 5 है, ये सीट नंबर 33 है, ये सीट नंबर 65। ठीक है, अब हम जो टिकट बुक करने गया था बाबा, अब वो उसने ऐसे टिकट बुक किया होपलेस तरीके से कि लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्डर ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो ही बुक द टिकट इन सच अ होपलेस मैनर एंड दिस इज अ लेट्स सी वी आर गोइंग टू आसाम, सो इट्स अराउंड 70 आवर्स जर्नी। ठीक है, तो बराक को टिकट यहाँ मिली, किधर मिली, A1 के कौन से डब्बे में, ओके पीयूष को यहाँ मिली A1 के 63 में, फुरकान गेट्स इन A2 8 एंड महक गेट्स इन A2 25, मसीरा गेट्स इन A2 71 एंड मुशफिक इन दिस, और मेरा इधर, तो कितना एंजॉय करेंगे ना हम लोग ये सफर को। यस बराक, ये जर्नी को हम कितना एंजॉय करेंगे, 70 आवर्स की जर्नी को पुणे टू गुवाहाटी। यस नो मे बी विल वी एंजॉय द ट्रिप, यस नो, व्हाई नो, अलग अलग सब स्कैटर्ड है ना। ओके, तो अभी अगर मैं किसी सेंसिबल आदमी को भेजता तो वो किस तरह टिकट लेके आता था, भले वो कोई भी एक बुगी का लेके आता, बट ही वुड हैव यूज्ड हिज कॉमन सेंस एंड ही वुड हैव टोल्ड कि हमको ऐसा चाहिए 1 2 3 4 5 और 6, आई वॉन्ट दीज 6 टिकट्स, वॉट यू वुड से, बिकॉज वी आर अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल एंड वी वॉन्ट टू ट्रेवल कलेक्टिवली। यस नो मे बी, यस सर। तो 1 सीट पे कौन है, लेट्स से अपना, अपन ने जो बैनर लेके जा रहे हैं वो इनम टेक का बैनर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो अपने जर्सी पे किसका लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या लिखा हुआ है, सीट नंबर 1 पे जो बंदा बैठा है उसके जर्सी पे क्या लिखा हुआ है, सीट नंबर 2 के, 3 के, 4 के, 5, दे ऑल आर ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट, यस और नो, अगर कोई 2 पे आके कोई दूसरा बैठ जाए, 2 पे आके डीवाई पाटिल का बंदा आके बैठ जाए, इज इट अलाउड, बीच में कोई दूसरा आ सकता है क्या, दूसरे टाइप का बंदा, यस नो मे बी, नहीं क्योंकि ये सब सेम टाइप के हैं, सब क्या है, तो टाइप भी सेम है और बैठे भी इकट्ठे हैं, है ना, दो चीजें है ना इधर, दो चीजें है, टाइप भी सेम है सबका, टाइप सेम है एंड सिटिंग कलेक्टिवली, यस और नो, यस सर, सिटिंग कलेक्टिवली, टाइप भी सेम है और बैठे भी साथ में है, ओके फिर जब स्टेशन आ जाएगा, जब ट्रेन आ जाएगी तो आई विल से सीट नंबर 1 पे कौन जाके बैठेगा, लेट्स से बराक, तो बराक का कहाँ बैठेगा, A3 के कौन से सीट पे,
तो ये रेड में मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, सीट नंबर है ना, और ये मैं किस किसको अलॉट कर रहा हूँ, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द कलर कोडिंग. ब्लैक में जो लिखा है वो क्या है, कोच है, बुकी जिसको बोलते हैं अपन, यस और नो? यस. रेड में जो लिखा है वो क्या है, और ब्लू में जो लिखा है वो क्या है? ओके, देन उसके बाजू में बिठा देंगे पीयूष को, उसके दोस्त को, तो कैसा आएगा, समझ में आ रहा कि नहीं? तो ए थ्री के कौन से सीट नंबर पे है, और है कौन? पीयूष है. ओके, कैन ए थ्री के सीट नंबर थ्री पे कैन शाहरुख खान सिट? यस नो मे बी? कैन ही सिट, विल वी अलाउ हिम टू सिट? यस नो मे बी? व्हाई नो? बिकॉज he is not in Inamtech, because he is not in Inamtech. में है क्या शाहरुख खान सब्सक्राइब? तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता. तो यहाँ पर वही आएगा जो Inamtech का सब्सक्राइब है. तो लेट से मुशफिक को डाल देंगे. अरे समझ रहा क्या नहीं? तो हर एक किसी को नहीं बिठा सकते, जो उसका टाइप का है उसके टाइप के बंदे कोई बिठाने का, हर एक को नहीं बिठा सकते. ओके, देन मुशफिक के बाजू बैठा देंगे शफीक को. तो क्या आएगा, ए ऑफ थ्री और सीट नंबर फोर. और फिर शफीक के बाजू बैठा देंगे फुरकान को. तो कैसे करेंगे, शफीक के बाजू बैठेगा फुरकान, तो कैसे लिखेंगे उसको बोलो? A of 3, 5 equals to and besides Furkan will Masira will sit. तो कैसे करेंगे उसको बोलो? हाँ, A of 3 of क्या? और उसके बाजू में महक को बिठा देंगे. तो आप बोलो कैसे आएगा? ये कलर कोडिंग समझो, कलर कोडिंग बहुत जरूरी समझना. एंड ए थ्री ऑफ सेवन ए थ्री, तो ब्रैकेट में जो जा रहा है वो क्या नंबर है मालूम तुम लोगों को ना? सीट नंबर है. यस ओके, कौन बचा अभी? चलो कलर में क्यों आ रहा है, नॉनसेंस. अभी कौन बचा, सब आ गए? तो अभी इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टेक्निकल पॉइंट्स, आई हाईलाइटेड देम, आई हाईलाइटेड नाउ. ये क्या है? वेरी गुड. ये क्या है? सीट नंबर. इसको अलग कलर में करेंगे. ओके, अपन वही ले लेंगे ना, जो कलर से किया वो कलर ही ले लेंगे. ये क्या है? हाँ भाई, ये क्या है? और ये क्या है? हाँ,
स्टूडेंट्स है ना? ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? सेवन है, ठीक है। बस तो यही कॉन्सेप्ट है एरे का। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, क्या करना है, क्या कोड लिखना है? प्रोग्राम टू। ओके, नाउ इफ लेट्स से हमारा कोई एक और फ्रेंड है या कोई अंकल है जो कि लेट्स से पुणे टू गुवाहाटी, तो पुणे टू गुवाहाटी ना, तो बीच में अपने को आएगा पटना आएगा, क्या आएगा बीच में, क्या आएगा बीच में, पटना आएगा, ठीक है। तो पटना में किसी का रिलेटिव है, लेट्स, ठीक है, लेट्स शफीक, शफीक के रिलेटिव है पटना में, एंड ही इज गोइंग टू ड्रॉप अस लंच ओवर देयर, मतलब अपन उनको लंच के लिए बोला है तो वो अपना लंच पार्सल करके अपने को लाके दे देंगे केबिन में, अपने कोच में। तो जब हम लोग पटना वाले अंकल को जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम लोग कहाँ बैठे क्या A3 में कहाँ बैठे, सीट नंबर, हाँ। तो अगर हम उनको हम स्टार्ट का ही बोल देंगे तभी भी काफी है, व्हेन वी टेल दैट अंकल कि भाई आप A3 के किस पे आ जाओ, सीट नंबर, हम सब आपको वही मिलेंगे, यस और नो, यस, आना समझो तुम लोगों। तो एरे का क्या होता है, जो स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग पोजीशन, अगर वो मालूम पड़ जाए तो हम पूरा एरे ट्रैवर्स कर सकते, समझ रहे? तो उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है एरे का, हाँ भाई क्या है? तो एरे का अगर मैंने स्टार्टिंग पोजीशन भी बोल दिया ना, तो बाकी सब एलिमेंट मुझे उस पोजीशन में मिल जाएंगे, अंडरस्टूड? यस सर। जैसे कि आपकी बिल्डिंग 7 माले की बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, आपकी बिल्डिंग जो है वो 7 माले की है, तो अगर आपका दोस्त आपके पार्किंग में भी आ जाए, किसमें आ जाए, तो उसको आपसे पार्किंग का बताएंगे ना एड्रेस कि तू यहाँ तक आ जा, एक बार वो पार्किंग में आ जाता है फिर तो वो बाकी खुद ही ट्रैवर्स कर लेगा ना 7 माले। तो एड्रेस किसका पूछता है वो, कि तेरी बिल्डिंग किधर है ना। तो अगर अपन ने उसको नेविगेशन बता दिए कि तू ये चौक में आ, ये यहाँ पर एक हॉस्पिटल मिलेगी, वहां से राइट मार, एक थिएटर मिलेगा, वहां से सीधा आ जा, उधर एक कॉफी शॉप है उसके सामने मेरी बिल्डिंग है, अब वो बिल्डिंग के पार्किंग में आ जाता है तो उसको अभी 7वां माला बताने की जरूरत है क्या, कि डायरेक्टली खुद ही आ जाएगा वो? तो ऐसे हमको सिर्फ क्या बताना पड़ता है, एरे का क्या बताना पड़ता है सिर्फ, तो क्या बोलेंगे हम, भैया जो पटना वाले भैया आ रहे हैं क्या बोलेंगे हम, A3 में कहाँ है, सीट नंबर 1 पर है, तो जब 1 पे आएंगे तो वो 7 लोगों के साथ वहां देख लेंगे, यस और नो? वॉज दिस पॉसिबल इन दिस आर्किटेक्चर, वॉज That possible in this architecture? यहाँ पर एक सीट पे नहीं है ना, सब अलग अलग सीट पे है, तो यहाँ पर सब एक जगह पर है, तो ये array का advantage है कि you get continuous memory location. What you get? What is the advantage of an array? ये उसका एडवांटेज है, ठीक है, और ये उसका लिमिटेशन है, क्या है, I will not call it as a disadvantage, I will call it as a limitation. ये उसका एडवांटेज है एरे का, क्या एडवांटेज है कि अब तुम जो ये 3 दोस्त थे, अब अगर ये तीनों एक साथ ही कोई प्लॉट खरीद ले और एक के बाजू में घर बना ले, तो विल दे मीट मोर फ्रीक्वेंट, यस और नो? व्हाई विल दे मीट मोर फ्रीक्वेंट, बिकॉज व्हाट? तो अभी अगर कुछ इनको ट्रिप प्लान करना है, कुछ डिस्कस करना है, तो इनको क्या करना पड़ता, इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता, या ट्रैवलिंग करना नहीं है तो अगर ये लोग आ जाएंगे कैंप में, कहाँ जाएंगे,
तीनों आ जाएंगे एक म्यूचुअल जगह पे, है ना? तो तीनों को ट्रैवल करके आना पड़ रहा है ना, कोई बात को डिस्कस करना है, कोई फाइनलाइज करना है, कुछ सेलिब्रेट करना है, यहां पर क्या करना पड़ेगा उनको अगर वो एक साथ में घर ले ले तो? हाँ, तो विच इज एडवांटेजेस फॉर दिस फ्रेंड, दिस आर्किटेक्चर इज एडवांटेजेस और दिस आर्किटेक्चर इज एडवांटेजेस, व्हाट डू यू थिंक इज विच सूट्स देम? एक साथ में तो यहाँ पर ये अपने को एडवांटेज क्या मिलता है एरे के अंदर की मेमोरी क्या मिलती है? Continuous. But इसमें डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज होमोजीनियस है. तो हमने क्या बोला यहाँ पर कौन बैठेगा? सिर्फ इनाम टेक के लिए बुक किया ना अपन ने, ये 1 to 7. अब अगर जो है वो शाहरुख खान भी अगर आ गया और उसको बिठाना है इधर, तो उसको हम नहीं बिठा सकते, क्योंकि अगर शाहरुख खान यहाँ बैठ गया, शाहरुख खान यहाँ कहीं पे भी बैठ गया और टीसी आ गया, तो टीसी उससे आर्ग्यूमेंट करेगा. तो अगर हम शाहरुख खान को यहाँ बिठा देते तो क्या बोलेगा? भाई दिस इज रिजर्व ओनली फॉर इनम टेक एंड यू आर नॉट इनम टेक, यू आर नॉट अलाउड. तो हम चाहकर भी उसको वहां नहीं डाल सकते, है ना? वी वॉन्ट हिम टू सिट बट वी कैनॉट आस्क हिम टू सिट बिकॉज इफ द टिकट चेकर कम्स देन ही विल बी इन ट्रबल. यस और नो? यस. So, इसका तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एरे? होमोजीनियस. तो अगर इंटीजर का है तो ओनली, अगर फ्लोट का है तो ओनली, और कैरेक्टर का है तो ओनली, और एप्पल का है तो ओनली, और ऑरेंज का है तो ओनली ऑरेंज. समझ में आया? तो एक ही टाइप का डेटा सपोर्ट करता है एरे, सिर्फ एक ही टाइप का डेटा सपोर्ट करता है. जैसे समझो कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 60 बच्चे, कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? हाँ भाई, तो रोल नंबर 1 है, तो रोल नंबर 60. अब एक टीचर है जो नया नया आया है कॉलेज में और उसको मालूम नहीं है कि कौन सी क्लास है. तो लेट्स से कि ये FY है और इसके बिसाइड्स में SY भी है, इसके बिसाइड्स में TY भी है. ठीक है, उसमें भी 60 बच्चे हैं और उसके बिसाइड्स में TY. अब वो प्रोफेसर चूंकि नया है, उसको मालूम नहीं कि कौन सी क्लास, तो उसको पढ़ाना है TY में. कहाँ पढ़ाना है उसको? उसको कहाँ पढ़ाना है? TY में. अब वो जाता है FY की क्लास में. कहाँ जाता है? और वो पूछता है रोल नंबर 1 को, इज दिस TY? क्या पूछता है वो? तो वो क्या बोलेगा? यस और नो? तो विल द प्रोफेसर कीप ऑन आस्किंग एवरी स्टूडेंट इज दिस TY, इज दिस TY, इज दिस TY? किसी जो पहले स्टूडेंट ने जो बोल दिया वो सब लोग सेम बोलेंगे ना. तो yes. पहले स्टूडेंट ने क्या बोला? यस क्या नो? क्वेश्चन था इज दिस TY क्लास. तो पहले स्टूडेंट ने क्या बोला आंसर? यस क्या नो? नो. तो बाकी सब भी क्या बोलेंगे? तो बाकी सबको पूछ के फायदा है क्या? इवन 60th विल से व्हाट? तो जो पहले का जवाब वही किसका जवाब? अब वो यहां पर आके पूछता है इज दिस TY क्लास, तो क्या बोलेगा वन वाला? यस क्या नो? टू वाला क्या बोलेगा? 60 वाला भी क्या बोलेगा? तो जो पहले का जवाब वही 60 का जवाब ना. अब वो जाता है थर्ड क्लास में, तो ये क्या बोलेगा? अभी क्या बोलेगा ये? तो पहले स्टूडेंट ने यस बोल दिया, मतलब सब क्या बोलेंगे?
यस यस, तो यही एरे का टाइप है। सीट नंबर वन पे किस टाइप का बंदा बैठा हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूट का ये? सीट नंबर वन पे जो बंदा बैठा है कौन से इंस्टीट्यूट का है? तो बाकी सब भी किसके रहेंगे, क्या रहेंगे बाकी सब भी, क्योंकि एरे क्या है, एरे क्या है? तो पहले पहले सीट पे जो बंदा जिसका वो टाइप है, बाकी सारे सीट्स पे वही टाइप का बंदा मिलेगा, यस और नो? यस। तो एरे का ये डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है ये, क्या बोलेंगे इसको, लिमिटेशन, नॉट अ डिसएडवांटेज बट अ लिमिटेशन। जैसे व्हेन वी हैव दिस ऑफलाइन क्लास, व्हाट वी हैव, तो ऑफलाइन क्लास का लिमिटेशन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑफलाइन क्लास, कि आप सिर्फ जो है ना, जो क्लास का जितने बेंचेस है, तो क्लास में 70 बेंचेस है, तो आप 70 स्टूडेंट्स को ही बिठा सकते है ना, आप सिर्फ उसी सिटी के बच्चे को पढ़ा सकते है कि नहीं? तो ये व्हाट आर दीज, दीज आर नॉट ड्रॉबैक्स, दीज आर नॉट डिसएडवांटेजेस, 70 बच्चे रखना कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट एक लिमिटेशन है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आप एक साथ में थाउजेंड्स को पढ़ा सकते, यस और नो? सो हैविंग 70 स्टूडेंट्स इज नॉट अ डिसएडवांटेज, बट इट्स अ लिमिटेशन, कि उसी सिटी का बच्चा चाहिए, इतने बच्चे ही चाहिए, पर ऑनलाइन के अंदर ये सब लिमिटेशन नहीं है, आप जो है एक ही पूरे वर्ल्ड में कहीं से बच्चा लॉग इन कर सकता है, कितने भी बच्चे लॉग इन कर सकते हैं, तो ऑल दिस लिमिटेशन आर रिमूव। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज अ ड्रॉबैक, इट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एरे, इट इज जस्ट एक लिमिटेशन है उसका, एक रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। तो एक उसका एडवांटेज है, एक उसका क्या है, क्या है? तो अभी मैंने एरे का सिर्फ थियोरेटिकल डिस्कस किया है, तो बताओ आप लोगों को क्या समझ में आया एरे के अंदर। अब हम एक एरे का एग्जांपल लेते हैं, टेक्निकल एग्जांपल, ठीक है? देखो, तो आई रिमूव दिस नाउ, सी व्हाट वी हैव इन एरे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंटीजर ए एंड, तो ये है एरे का टाइप, क्या है ये एरे का टाइप, और ए है एरे का नाम, क्या है एरे का, एरे का नाम क्या दिया मैंने? हेलो, एरे का नाम है, ये एरे का नाम है रेड में, और ये ब्लू में क्या है, एरे का साइज क्या है, साइज। ओके, तो अभी जब वो एरे बनेगा तो कितने साइज का बनेगा, साइज फाइव, वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है ना? ओके, यहां पर अपने ट्रेन में सीट नंबर शुरू किससे होते हैं, सीट नंबर शुरू कौन से नंबर से, यहां पर शुरू होते हैं जीरो से, एरे में शुरू से शुरू होते हैं हमेशा, ऑलवेज स्टार्ट्स विद समझ रहा है? ओके, और ये है एरे का बेस एड्रेस, जैसे एरे शुरू होता है तो आप फर्ज कर लो 1000 है, एनी दिस कैन बी एनी मेमोरी लोकेशन। ओके, नाउ एट इफ आई वांट टू पुट एट ए ऑफ, तो ये जो है ना सीट नंबर्स है, क्या ये जो है ना ये सीट नंबर्स है, तो ट्रेन में सीट नंबर शुरू किससे होते हैं,
ट्रेन में सीट नंबर स्टार्ट फ्रॉम, हेलो, ट्रेन में सीट नंबरिंग शुरू कहां से होती? एरे में शुरू होता है जीरो से, शुरू कहां से होता है एरे से हमेशा? ओके, जीरो इंडेक्स पे मैंने डाल दिया है. ओके, लेट्स से कि मैंने एरे का नाम बनाया है मार्क्स. क्या बनाया है एरे का नाम? और मुझे पांच स्टूडेंट के, पांच सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं. तो एरे का नाम मैंने दे दिया क्या? क्या नाम दिया मैंने एरे का? तो मार्क्स ये क्या हो गया? मार्क्स ऑफ जीरो हो गया ना ये. तो मार्क्स ऑफ जीरो पे डाल दिया मैंने 65. फर्स्ट सब्जेक्ट्स के मार्क्स, सेकंड सब्जेक्ट्स के मार्क्स में डाल दिया 79, 81, 76 और लेट्स से 78. ओके, तो अभी ये एरे के अंदर पांच चीजें हो गई. देखो आई लिस्ट इट डाउन. पहला हो गया ये क्या हो गया? फिर दूसरा हो गया ये, फिर तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये वैल्यूज, और छठा हो गया ये एड्रेस. कितने चीजें हो गई एरे को लग के अभी? टेल मी. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दीज आर द फोर्थ. ये सारे जो है ना, ये चार नंबर हो गए, ये सारे पांच नंबर हो गए. छह नंबर हो गया. सो नाउ लेट्स टेक वन एट अ टाइम. वन क्या है? वन, वन क्या है? डेटा टाइप ऑफ एरे. क्या है? क्या है? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मतलब क्या? व्हाट इज वन? मतलब एरे के अंदर वैल्यूज किस टाइप के होंगे? सिर्फ ये 65, 79, 81, 76, 78 किस टाइप का डेटा है? हाँ, इंटीजर है ना. कैन आई पुट ओवर हियर 79 की जगह कैन आई पुट अ सिंगल कोट्स में ए, और कैन आई पुट एट द रेट ओवर हियर? विल इट अलाउ मी? कैन शाहरुख खान कम एंड सेट अप? व्हाई नो? बिकॉज टाइप क्या है एरे का? और एट द रेट क्या है? कैरेक्टर. तो अलाउ करेगा क्या वो? नो. तो सबसे पहली चीज ये है कि एरे का डेटा टाइप, दूसरा एरे का नाम, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है एरे का? जैसे आपने बुगी का नाम क्या था? A3 था ना. अपने कोच का नाम क्या था? कोच का नाम A3. तो हम सब क्या बोलते? A3 of 1, A3 of 2, A3 of 3, A3 of 4, A3 of 5, सब ऐसे कर रहे थे ना. Yes. तो अपने अभी एरे का नाम क्या है? एरे का नाम क्या है? मार्क्स. मार्क्स 3 जो है ये एरे का साइज है. क्या ये? तो कितने कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए मैंने? फाइव. इधर क्या आ गया? फाइव. ये फोर, इसको बोलते हैं इंडेक्सेस. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? एन इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम
Start from where? Index always start from zero. और पांचवा क्या है उसके values? पांचवा क्या है और छठा है उसका बेस एड्रेस क्या है? ओके अभी ये जो है ना एरे, इसको मैं अपने उससे करता हूँ कन्वर्ट, कंपेयर करता हूँ अपने वाले एरे से। देखो जो अपने बनाया ना ऊपर, ये दिख रहा है ये? नाउ सी, तो अपना ये ऊपर वाला जो एरे था वो था इनम टेक टाइप का। किस टाइप का था एरे? हेलो, तो ये सारे बच्चे किसके थे? इनम टेक के थे ना। ओके okay, उसको मैंने एक नाम दे दिया ट्रिप नाम से। क्या नाम दे दिया? ट्रिप। और कितने बच्चे थे अपने साथ में? सेवन। तो ये सेवन का एरे बन गया, सही क्या? नहीं नहीं अपने एरे का नाम था ए थ्री। क्या नाम था अपने एरे का नाम? डब्बे का नाम क्या था? ए थ्री। ये अपने एरे का नाम। कितने बच्चे हैं इसमें? सेवन। तो अभी रियल वर्ल्ड में हम लोग सीट नंबर लिखते ना, सीट नंबर, ये सात ऐसे हो जाएंगे। है क्या? नहीं। तो रियल वर्ल्ड में ट्रेन का सीट नंबर शुरू कहां से होता? वन से ना। अब वन पे कौन है? वन पे कौन है? और टू पे कौन है? पीयूष है। थर्ड पे मुश्फिक है। फोर्थ पे शफीक है। फुरकान है। मसीरा है। और महक। ये था ना अपना रियल वर्ल्ड में। तो बराक कहां था? बराक ए थ्री ऑफ कौन से सीट पे? ए थ्री ऑफ वन, राइट। यहां पर कहां था बराक? दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर। तो बराक कौन से सीट नंबर पे था? One. तो ए थ्री का सीट नंबर वन ना, तो उसको हम ऐसा 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 लिख रहे थे, ए थ्री और सीट नंबर लिखने के स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना? तो ऐसा ए थ्री ऑफ वन, और ये अपना बेस एड्रेस था, लेट्स से 1000 जो भी। तो ये जब समझ में आया ना, तो सारे स्टूडेंट किस टाइप के हैं? ओके okay, और कौन सा कोर्स नंबर क्या है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? और फिर ये उनके इंडिविजुअल सीट नंबर्स हैं। तो ऐसे ही एरे के अंदर क्या होता है? इंडेक्स होते हैं। क्या होते हैं एरे के अंदर? इंडेक्स। इंडेक्स। तो इंडेक्स जीरो पे क्या है?